प्रिय विद्यार्थियों, आर सी एच एम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, अपवर्तन के उदाहरण पढ़ रहे थे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है सूर्य का सूर्योदय होने से पूर्व वह सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देना। ये सूर्य जो होता है वो सुबह उदय होने से पहले और शाम को जब वो सूर्यास्त अस्त होता है तो उसके पश्चात भी दिखाई देता है। ये क्या कंडीशन होती है, क्या इसका रीजन होता है, वो अभी ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। देखिए, तो ये हमारी जो पृथ्वी होती है, अपने ऐसा मान ले माना कि हमारी पृथ्वी है और अपन जानते हैं कि पृथ्वी के चारों हमारा क्या होता है भाई, वायुमंडल होता है। तो ये हमारी पृथ्वी है और हमने ये मान लिया, माना इसके चारों ओर ये हमारा वायुमंडल है जहां बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए, जब सूर्य सुबह उदय होता है और जब सूर्य शाम को अस्त होता है तो सुबह उदय होने से पहले वह क्षितिज के समीप होता है। यूं कहें कि जो क्षितिज होता है उसके नीचे होता है सूर्य उदय होने से पहले। देखो भाई क्या होता है, अपने सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है ना, ये हमारी पृथ्वी है, इसके समीप दो यहां इसके पास में यहां वायु की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब अपनी कह सकते हैं कि पृथ्वी के समीप चारों ओर वायु का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि वायु की जो मात्रा वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के समीप देखो यहाँ वायु की मात्रा अधिक होने की वजह से ये वायु यहाँ पे सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। हमने क्या लिख रखा है, सघन माध्यम। आप अब यूं कहोगे सती कि भाई वायु तो क्या होती है, विरल माध्यम होती है, लेकिन देखो हम तुलना कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी के समीप यहाँ वायु की मात्रा अधिक होने की वजह से यह एक सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। और अपन जैसे से अपन ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, वैसे वैसे अपन जानते हैं कि वायु की जो मात्रा है, जो घनत्व है, जो वायु को लगातार क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। यानी ऊपर यहाँ वायु घनत्व तो कम होता है, वायु की मात्रा कम होती है, जबकि नीचे यहाँ पृथ्वी के समीप वायु की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए देखो, इसलिए पृथ्वी के यहाँ यहाँ पे ये जो वायु की जो मात्रा है यहाँ पे ये एक तरह से विरल माध्यम की तरह कार्य करेगा। विरल माध्यम यानी पृथ्वी से ऊपर यहाँ इसके आसपास ऊंचाई पर ये जो माध्यम होता है, यहाँ वायु की मात्रा कम होने की वजह से यह एक विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। और हमारा सूर्य उदय होने से पहले जो क्षितिज है इसके नीचे होता है, तो यहां से प्रकाश किरण चलती है सूर्य से। अब देखो ये यहाँ हम यहाँ पे एक अभिलंब मान लेते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे, तो यहाँ प्रकाश किरणें भाई विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती हैं। बताओ कैसे, क्योंकि ऊपर यहाँ वायु की मात्रा कम होने की वजह से ये विरल माध्यम की तरह कार्य करता है और पृथ्वी के समीप यहाँ वायु की मात्रा ज्यादा होती है, तो यह एक सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। तो यहाँ ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है। और अपन जानते हैं अपवर्तन के नियम अनुसार कि जब भी कोई प्रकाश किरण जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर सॉरी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह क्या होगी, यह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो तो ये सूर्य है, अभी यह क्षितिज के नीचे है, ठीक है, उदय होने से पहले यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, यहाँ प्रवेश करती है, ये हमारा वायुमंडल है, लेकिन यहाँ वायु की मात्रा कम होने की वजह से यह विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। नीचे की यहाँ वायु की मात्रा ज्यादा है, यहाँ ये सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। तो यहाँ प्रकाश से विरल से सघन माध्यम प्रवेश करता है, तो यहाँ ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है डैश डैश में, तो यहाँ हमें सूर्य के एक आभासी पृथ्वी हमें दिखाई देता है। तो यही रीजन है कि सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट पहले यहाँ पे सूर्य का एक आभासी पृथ्वी यहाँ प्राप्त हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ये सूर्य का
आभासी पृथ्वी है भाई, ये सूर्य की आभासी स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य उदय होने से पहले सूर्य का 2 मिनट पहले, जी हाँ इसमें अंतर फिक्स होता है, ये अंतर 2 मिनट का होता है कि सूर्य जब उदय होगा तो उसे 2 मिनट पहले ही घटना हो जाती है। 2 मिनट पहले ही सूर्य की आभासी जो स्थिति है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सूर्य उदय होने से पहले वह दिखाई देता है। और यही कंडीशन शाम को होती है कि जब सूर्य शाम को अस्त होता है तो भी यही कंडीशन होती है शाम को भी। तो इस वजह से, इस घटना की वजह से पूरे दिन में सूर्य की जो वास्तविक जो स्थिति है उसमें 4 मिनट का अंतर आ जाता है, समझ गए। पर 2 मिनट पहले अंतर आएगा सुबह और 2 मिनट का अंतर रहेगा शाम को, रहेगा जब सूर्यास्त होगा उस समय। तो इस घटना की वजह से जो सूर्य है, जो उसकी वास्तविक स्थिति है उदय होने की और अस्त होने की, उसमें पूरे दिन में 4 मिनट का अंतर यहाँ हो जाता है। तो ये घटना थी कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के पश्चात कैसे दिखाई देता है। तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है। हम समझ गए कि भाई यहाँ सूर्य से प्रकाश प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम इसको पीछे जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो हमें सूर्य की यहाँ एक आभासी एक प्रतिबिंब नजर आता है, उसकी अवस्था नजर आती है, ठीक है। तो ये था सूर्य की स्थिति का। और हम इस वीडियो में इसके साथ साथ हमें छोटा सा एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेते हैं। दिया वाक्य में कांच और जल की निरपेक्ष अपवर्तन हमें दे रखे 3/2 और 4/3। कांच और जल में प्रकाश के हमें 4 का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि भाई जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो हमने पहले पढ़ लिया, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध पाया जाता है। क्या हम जानते हैं अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है वह c/v होता है, ठीक है। अब अगर यहां तक दो हैं, कांच है और जल है। अगर हम पहले कांच के लिए बात कर ले, कांच के लिए अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, अपवर्तनांक ये nw हो जाएगा और c/vw हो जाएगा। nw का मतलब है जल, जल का अपवर्तनांक, c प्रकाश का वेग नियत रहता है, और vw का मतलब है यानी जल में प्रकाश का वेग। हम इसी प्रकार से कांच के लिए बात करें, सॉरी कांच के लिए देखो ns से यानी ng मान, इसको ng हो जाएगा, इसको vg मान लें, क्योंकि देखो भाई कांच है, कांच में ग्लास होता है, g/v क्या होता है, ग्लास है। तो हम इसको कांच के लिए ng मान लें भाई, ng g मतलब ग्लास, कांच के लिए अपवर्तनांक और c प्रकाश का वेग नियत है, और इसको मान लें vg मतलब V का मतलब वेग, जी का मतलब ग्लास यानी कांच में प्रकाश का वेग। अब हम आगे जल के लिए बात कर लें, जल के लिए अपवर्तनांक, जल के लिए जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो देखो nw होता है, और ये वो सेम c/v क्या हो जाएगा, ये देखो vw हो जाएगा, c/vw। इसका मतलब पानी में प्रकाश का वेग, पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और कांच में प्रकाश का वेग, दोनों में समीकरण भाग लगा दो, माना कि समीकरण 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, यानी अगर इसको mg/nw करें तो ये आ जाएगा c/vg और c/vw आ जाएगा, vw cc कट जाएगा, vw ऊपर जाएगा, mg/nw बराबर आ जाएगा vw/vg आ जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में अपवर्तनांक का मान दे रखा है, ठीक है, यानी कांच और जल में, तो हमें इसका मान दे रखा है ng का 3/2 और हमें इसका मान दे रखा है जल में जो है 4/3। तो मतलब 3/2 इसे मान रखते हैं इसमें, तो भाई 3/2/4/3 बराबर आ जाएगा vw/vg आ जाएगा, इन्हें गुणा कर लो भाई, इसे गुणा हो जाएगी
और ये से गुण हो जाएगा, 3 × 9 = 8 बराबर BW/BG। तो ये हमारा वेग का जो है अनुपात आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।